और जो आप ये देख रहे हैं सामने, ये भरतपुरी की पुलिया है। यहाँ पर घंटों जाम लगा रहता है। जाम का कारण सिर्फ लापरवाही लापरवाही लापरवाही। सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ एम्बुलेंस, जिसमें मरीज फंसा हुआ है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी मौज मस्ती में कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ के ऑटो वाले इतने बदमाश हैं, वो कहते हैं कि पुलिस को हमारा हफ्ता जाता है, हम रॉन्ग साइड चले या राइट साइड, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो सामने ये बड़ी गाड़ी फंसी हुई है, लेकिन ये ऑटो वाला हटाने को राजी नहीं हो रहा बिल्कुल। सामने ये छोटा हाथी वाला भी अपने गाड़ी रोक कर फ़ोन पे बात कर रहा है, इसको जाम की कोई। बैटरी रक्षा वाला भी कमी नहीं है, देखो पूरा रोड पे जाम लगा हुए है ये लोग। आखिर कब तक रहेगा ये जाम? इस जाम में कोई बीमार है, कोई परेशान है, लेकिन इस भीड़ को कोई परवाह नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इसका कुछ समाधान किया जाए। भाई कितनी देर से खड़े हो आप यहाँ पे? आधे से पौना घंटा हो गया जी मेरे को यहाँ फंसे। ये जाम के कब से लग रहा है जाम यहाँ? ये एक हफ्ते से कम से कम मुझे परेशानी ज़्यादा है। तो आप परेशानी ज़्यादा है, टाइम टेबल की गाड़ियाँ हैं आपकी? हाँ जी टाइम टेबल की। तो सरकार से क्या चाहते हो आप? क्या पुलिस प्रशासन आके जाम निकलवाए? हाँ जी कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, तो ट्रैफिक वाले कोई नहीं आते? कोई नहीं आता जी। अगर ट्रैफिक के दो कर्मचारी यहाँ पर जाम निकलवाएं तो जाम का समाधान हो सकता है, अन्यथा यहाँ की ऑटो वाले, बैटरी वाले, हाथी वाले सारे बदमाश हैं। और बाइक वाले इतनी खतरनाक तरीके जैसे रॉन्ग साइड पर लाकर अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं, जिसे आने जाने में यात्रियों को परेशानी रहती है। और तो और लोग बाग पैदल भी नहीं निकल सकते। इनको समझाने पर इनके डायलॉग क्या होते हैं कि हट जा यहाँ से नहीं तो टक्कर मार दूँगा, गाली दे देते हैं, मारने को दौड़ते हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा तो इन लोगों का कुछ ना कुछ समाधान किया जाए। और ये है मुस्तफाबाद गली नंबर 2 का डॉन, जिसका पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। कोई अर्जेंट में जा रहा है, लेकिन इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। कैमरामैन जुबैर खान के साथ मैं जुल्फकार अली, हिंद टीवी न्यूज़ दिल्ली। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।